एक तरफ तो शासन प्रत्येक परिवार को प्रतिदिन 40 लीटर पीने का पानी मुफ्त में मुहैया कराने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर उमरिया जिले के ग्राम किल्हारी के 20 परिवार ऐसे हैं जो बरसात के मौसम से हेडपम्प बिगड़ा हुआ है, जो 10 माहों से वहां के 20 परिवारों ने एक 300 मीटर दूर पर एक खुले कुएं हैं जहां पर गंदा पानी लाकर पीने को मजबूर हैं। आपका समस्या क्या है? टंकी बिगड़ गया है, पानी समस्या है। जोहिला नदी से हम 400 मीटर चढ़ाई थी। ये टंकी कब से बिगड़ा हुआ है? अरे बरसात बढ़ा गए, पानी की समस्या है भाई साहब की। पहले टंकी रही बरसात से ऐसे लगातार सार से टंकी के बिगड़, तो भैया पंचायत में ही आवेदन अर्जी करें, ग्राम सभा में लिखवाएं, लेकिन अब याद तलक नहीं बनी भाई। तभी कहाँ से पानी लाते हैं? पानी भाई साहब नदिया से लाई थे, जो जोहिला नदिया है वो नदिया बहुत गहीर है, 400 मीटर नीचे से पानी महिला लोग लाई थे। मैं यह वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि आप हमारे उमरिया ज़िले के ब्लॉक पाली के जो PHE विभाग के इंजीनियर साहब हैं कश्यम केवट जी, जिनका मोबाइल नंबर है 97-52-56-25-80, यह नंबर पर कॉल करके इन अधिकारी पे दबाव बनाए ताकि किल्हारी गांव के जो बिगड़ा हुआ हेडपम्प है जल्द से जल्द वहां पर बनाया जाए और जो पानी का समस्या है वो निराकरण हो सके। मैं रामलाल बैगा, ग्राम किल्हारी, ज़िला उमरिया, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहार्ट के लिए।